Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Fork. Hope you are doing really great. So आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही easy and quick summer drink. आज हम बनाएंगे आम पन्ना. चलिए फिर बनाने शुरू करते हैं. Let's get started and check out the recipe. So यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़े साइज का रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम और इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे. जो इसकी आउटर लेयर है उसे हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे. अब इसे हम रफली चॉप कर लेंगे. सो आप इसके बड़े बड़े पीसेस कर सकते हैं चॉप करने के लिए. एकदम रफली चॉप करना है, ज़रूरी नहीं कि इसे एकदम फाइनली चॉप करें आप. इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेस में. अब एक बर्तन ले लेंगे हम और उसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी. अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो रॉ मैंगो हमने कट करके रखे थे वो, और इसी के साथ इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले. सो मसालों में यहाँ मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून काला नमक, और इसमें हम लास्ट में डालेंगे 1 कप चीनी. अब इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है एकदम अच्छी तरह से उबाल आने तक, और जब तक कि हमारे जो रॉ मैंगो है वो कम्प्लीटली गल ना जाए, अच्छी तरह से पक ना जाए. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है. इसी तरह से इसे हम हाई फ्लेम पे उबालते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक के गल ना जाए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मैंगोज काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं. अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है. अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक जार में और इसे हम एकदम फाइनली ग्राइंड कर लेंगे. पे आप देख सकते हैं इसे एकदम फाइनली ग्राइंड कर लिया है मैंने. अब इसे हम छान लेंगे. सो स्पैचुला की मदद से इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे. आम पन्ने का मिक्सचर बनके तैयार है. ग्लास की डेकोरेशन के लिए हम मिक्सचर तैयार करेंगे. तो 1/2 टीस्पून ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक. इन दोनों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और हमारा मिक्सचर बनके तैयार है. अब हम हमारा आम पन्ना रेडी कर लेंगे. तो सबसे पहले ग्लास पे हम नींबू का रस इस तरह से अच्छी तरह से लगा देंगे. अब इसे हम जो मसाले के मिक्सचर हमने बनाया था उसमें हम इस तरह से डिप कर देंगे. आप देख सकते हैं ग्लासेस हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं. जो आम पन्ने का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था वो हम ग्लासेस में ऐड कर लेंगे. लगभग 7 से 8 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे. अब इसमें हम मिला देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स. और इसमें हम ऐड कर देंगे लास्ट में ठंडा पानी. एक स्पून की मदद से इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स. एंड हियर इट इज, हमारा सुपर इजी ठंडा ठंडा आम पन्ना बनके तैयार है. इसे हम डेकोरेट कर लेंगे थोड़े से लेमन स्लाइसेस के साथ. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सभी को ये इंटरेस्टिंग रेसिपी कैसी लगी. होप
होप सो आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।